आज हम जानेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। संसार के सभी जीव, चाहे वो जंतु हो या पौधा, हर किसी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हर किसी को अवश्य भोजन ग्रहण करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन की आवश्यकता क्या है? क्यों हम ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर करते हैं? यह तो आप सभी ने महसूस किया होगा, जब आप स्कूल जाते हैं, खूब सारा खेलते हैं, पढ़ते हैं और थक जाते हैं और घर लौटते ही सबसे पहले यही मांगते हैं कि मम्मी मुझे खाना दो। खाने की आवश्यकता हमें क्यों है? खेलने और कूदने आदि दैनिक क्रियाओं के दौरान आपके शरीर से कुछ ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसी ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें भोजन करना आवश्यक है। हमारा शरीर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार एक दीवार कई सारे ईंटों से मिलकर बनती है, प्रत्येक कोशिका के अपनी ऊर्जा जरूरतें अलग अलग होती हैं। खेलने, कूदने, पढ़ने इत्यादि क्रियाओं के दौरान हर कोशिका से ये ऊर्जा समाप्त होती है। इसीलिए हम भोजन करके तथा उसका पाचन करके इस ऊर्जा के स्तर को मेंटेन करने की क्रिया करते हैं। भोजन की आवश्यकता तो समझ में आ गई, पर क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन क्या है? भोजन वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं। खाने पीने के शौकीन तो सभी होते हैं। आप में भी कई बच्चों को मीठा पसंद होगा, कुछ को कड़वा, कुछ को नमकीन इत्यादि इत्यादि। भोजन हमारे कई सारे अवयवों से मिलकर बना होता है। भोजन के मुख्य अवयव यानी घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड, वाटर एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये सभी तत्व मिलकर हमारे भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैटी एसिड भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। पाचन तंत्र के द्वारा इन्हीं को अवशोषित योग्य बनाकर हमारे शरीर की ऊर्जा स्तर मेंटेन किया जाता है। भोजन ग्रहण करने के आधार पर भी जीवों को कई भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे जीव जो फल का सेवन करते हैं उन्हें फलाहारी कहते हैं। ऐसे जीव जो शाक भाजी का सेवन करते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, तथा ऐसे जीव जो मांस या मछली अंडे का प्रयोग करते हैं उनको मांसाहारी जीव कहा जाता है। अब आप सोच के बताइए कि इन तीनों वर्गों में मनुष्य किस श्रेणी में आएगा? मनुष्य फलाहारी भी है, मनुष्य शाकाहारी भी है, मनुष्य मांसाहारी भी है। अर्थात मनुष्य इन तीनों प्रकार के भोजन को ग्रहण कर सकता है। इसीलिए मनुष्य के लिए एक स्पेशल पद का प्रयोग किया जाता है जिसे सर्वाहारी कहते हैं, अर्थात मनुष्य सर्वाहारी है। सर्वाहारी होने के साथ साथ मनुष्य को विषम पोषक भी कहा जाता है। अब ये विषम पोषक क्या होते हैं? विषम पोषक ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों अथवा पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। विषम पोषक को विस्तार में समझें एक वाक्य के द्वारा। व्यक्ति खाना बनाता है, इस वाक्य पर ध्यान दीजिए और बताइए कि यह वाक्य सही है या गलत है। यह वाक्य गलत है। सही वाक्य होगा व्यक्ति भोजन पकाता है। बनाना व पकाना दोनों अलग अलग क्रियाएं होती हैं। भोजन को बनाना अक्सर पेड़ पौधों के लिए प्रयुक्त होता है। आपने देखा होगा हरे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। इसे उदाहरण के तौर पर समझें, अगर आप बाजार से पालक खरीद के लाते हैं या कोई फल खरीद कर लाते हैं, यह फल तथा सब्जियां हमें कहां से प्राप्त होती हैं? यह फल और सब्जियां हमें पेड़ और पौधों से प्राप्त होती हैं। पेड़ और पौधे यही फल और सब्जियों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। अर्थात हमने पाया कि पेड़ और पौधे प्रथम उत्पादक कहे जाते हैं। संसार की सारी ऊर्जा पेड़ व पौधों में ही संरक्षित होती है। जब हम भोजन करते हैं तब पेड़ व पौधों से ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है। अब आप पूछेंगे कि सर, अगर कोई जीव मांसाहारी है तो किस प्रकार पेड़ पौधों पर निर्भर करता है? उदाहरण से समझें कि अगर हम बाजार से अंडे खरीद कर लाते हैं और उनका सेवन करते हैं, अंडे कहाँ से आते हैं? मुर्गियों से। मुर्गियों का भोजन क्या है? मुर्गियां छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। कीड़े मकोड़े किस पर जीवित हैं? पेड़ पत्तियों पर अनेक बीमारियां करके जीवित हैं।
यानी कि हमने देखा कि जो सबसे लास्ट स्टेज पे प्राणी था वो किस पर है, पेड़ पौधों पर। यानी कि हम मांसाहारी पदार्थों का सेवन करने वाला जीव अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर है। अगर कोई व्यक्ति हिरण का मांस खाता है या बकरे का मांस खाता है, बकरा घास फूस खाता है, हिरण घास फूस खाता है, और घास फूस हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थ का संचयन करते हैं, तो हमने देखा कि हमारे पूरे वातावरण में ऊर्जा एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित होती रहती है। सूर्य से ऊर्जा आई, पौधों में गई, पौधों से ऊर्जा आई, शाकाहारी जीवों पे गई, शाकाहारी जीवों पे आई से मांसाहारी जीवों पे गई, मांसाहारी जीव की मृत्यु हो जाती है और फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसे पचाकर फिर मिट्टी में मिल जाती है, और फिर मिट्टी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधों में ऊर्जा हमारी वापस पहुंच जाती है। इस प्रकार एक चक्र चलता रहता है जिसे हम ऊर्जा चक्र भी कहते हैं। तो हमने ये देखा कि भोजन की आवश्यकता क्या है तथा भोजन क्या है, भोजन के मुख्य घटक भी हमने समझे। अब हम देखेंगे मनुष्य के शरीर में पाचन किस प्रकार होता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया को करने के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन की क्रिया को सरल बनाने के लिए यह दो भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग एलिमेंट्री कैनाल अथवा आहार नाल है तथा दूसरा भाग पाचन ग्रंथियां अर्थात डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। पाचन तंत्र का मुख्य भाग आहार नाल होती है। इसकी शुरुआत हमारे मुंह वाले हिस्से से होकर नीचे की तरफ बढ़ते हुए और हमारे गुदा द्वार यानी एनस पे खत्म होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आप देख ही रहे होंगे ये एक नलीनुमा आकृति है, कई सारे एंगलों पर कई कई जगह पर मुड़ मुड़ कर अलग अलग अंगों का निर्माण करती है। 1.5 से 2 मीटर ऊंचे आदमी में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल पाया जाना काफी आश्चर्यजनक है, मगर ये कई जगहों पर मुड़ मुड़ कर अलग अलग अंग बनाती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती है। आहार नाल में मुख्य 6 भाग पाए जाते हैं। पहला हमारा मुंह होता है, दूसरी हमारी ग्रसनी अर्थात बक्कल कैविटी, थर्ड हमारी फूड पाइप, चौथा हमारा अमाशय यानी पेट, पांचवा हमारा ग्रहणी यानी ड्यूडनम, छठा हमारा आते। आते दो भागों में बटी हैं, छोटी आंत व बड़ी आंत। मनुष्य में आहार नाल के साथ 3 पाचन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। हमारी पहली पाचन ग्रंथियां लार ग्रंथियां, इनकी कुल संख्या 3 होती है। यह हमारे ऊपर वाले जबड़े के दांतों के ठीक ऊपर, कान के ठीक नीचे तथा जीभ के नीचे पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य लार स्रावित करना होता है, अर्थात इनके स्रावित पदार्थ को लार कहा जाता है। लार का मुख्य कार्य मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना है। हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक मुख्य अवयव है जिसको पाचित करके हमारे खाने से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दूसरी हमारी पाचन ग्रंथि है यकृत, यह हमारी ग्रहणी व अमाशय से जुड़ी होती है तथा इनके साइड में पाई जाती है। यह आकार में बहुत बड़ी, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1 से 1.5 किलो होता है। इसके अंदर एक छोटा सा पित्ताशय पाया जाता है जिसके अंदर यकृत पाचन ग्रंथि से निकलने वाला स्रावित पदार्थ पित्ताशय रस स्टोर रहता है। पित्ताशय रस भोजन में हमारी ग्रहणी अर्थात ड्यूडनम वाले हिस्से में मिलेगा। तीसरी पाचन ग्रंथि कहलाती है अग्नाशय, यह पत्तीनुमा आकृति होती है तथा हमारी ड्यूडनम व अमाशय के बीच में दबी सी हुई प्रतीत होती है। इनके स्रावित पदार्थ को अग्नाशयी रस कहा जाता है। इनका स्रावित पदार्थ भी भोजन में हमारे ग्रहणी वाले हिस्से में मिलता है। इस प्रकार ग्रहणी एक जंक्शन का कार्य करता है। आइए विस्तार पूर्वक जानें आहार नाल के विभिन्न अंग, उनकी संरचना व उनके कार्य। हमने बताया आहार नाल का सबसे प्रथम भाग मुख गुहिका कहलाता है। यह हमारे मुंह से शुरू होकर फूड पाइप की शुरुआत तक का हिस्सा होता है। यह बाहर 2 होठों से घिरा हुआ होता है तथा अंदर एक गुफा नुमा अर्थात खाली जगह में खुलता है, इसीलिए हम इसका नाम मुख्य गुहिका भी देते हैं। मुख्य गुहिका में 3 मुख्य चीजें पाई जाती हैं। पहला हमारे दांत, दूसरा हमारी जीभ तथा तीसरा हमारी पहली पाचन ग्रंथियां अर्थात लार ग्रंथियां। हमारे मुख्य गुहिका में कुल 32 दांत पाए जाते हैं जो कि 16 और 16 के रूप में बटे होते हैं।
16 नीचे वाले जबड़े में तथा 16 ऊपर वाले जबड़े में। आइए हम एक जबड़े का चित्र देखें, तो उसमें हम पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अर्थात 16 दांत नीचे तथा 16 दांत ऊपर। मुख्य गुहिका में पाए जाने वाले कुल 32 दांतों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले कृंतक अर्थात इंसाइसर। कृंतक हमारे सामने के 4 दांत होते हैं, 1, 2, 3, 4। इनका मुख्य कार्य भोजन को कुतरना होता है। इनकी कुल संख्या 8 होती है, अर्थात नीचे वाले जबड़े में ये 4 होते हैं तथा इसी प्रकार से ऊपर वाले जबड़े में ये 4 होते हैं। कृंतक हमारे रोडेंट्स जीवों में अत्यधिक विकसित होते हैं, जैसे गिलहरी, खरगोश व चूहा। इन सभी को आपने देखा होगा, खरगोश में सामने के निकले हुए 2 दांत तो हर किसी ने देखे होंगे, जो कृंतक का ही एक विकसित रूप कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के दांत हैं कैनाइन अर्थात रदनक। चित्र में देखिए आप, इंसाइसर के बगल में ये दोनों पाए जाते हैं। इनकी आकृति नुकीली होती है, आपने देखा होगा मनुष्य में भी साइड में 2 नुकीले दांत निकले होते हैं। मांसाहारी जीवों में ही अत्यधिक विकसित होते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ। इनका मुख्य कार्य मांस को चीरना व फाड़ना होता है। तीसरे प्रकार के दांत हैं अग्रचवर्णक अर्थात प्रीमोलर। ये कैनाइन के बगल में होते हैं, आप चित्र में देखिए, 1, 2, 1, 2 अर्थात ये नीचे वाले जबड़े में 4 हैं, ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होंगे, इनकी कुल संख्या 8 होगी। इनकी आकृति के हिसाब से इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना व चबाना होता है। यह चरने वाले जीवों अर्थात मवेशियों में अत्यधिक विकसित होते हैं। चौथे प्रकार के दांत हैं मोलर। नीचे वाले जबड़े में इनकी कुल संख्या 6 होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मोलर हमारे जबड़े के सबसे पीछे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये लास्ट के 2 दांत आप देख रहे होंगे, इन्हें अक्कल दांत अर्थात विजडम टीथ भी कहा जाता है, जो कि नॉर्मली 18 साल की उम्र के बाद निकलते हैं। मनुष्यों में दांतों की स्थिति संक्षेप में समझने के लिए एक विशेष प्रकार का फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, जिसे 2123/2123 × 2 से भी प्रदर्शित किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2123/2123 × 2 में 2/2 हमारी नीचे वाले जबड़े अथवा ऊपर वाले जबड़े किसी एक जबड़े में इंसाइसर की संख्या को प्रदर्शित करता है कि 2/2 में 2 ये और 2 ये, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर वाले जबड़े की संख्या जुड़कर कुल इनकी संख्या 8 हो जाएगी। इसी तरह 1/1 में 1 कैनाइन ये, 1 कैनाइन ये, इसको ऊपर वाले जबड़े के साथ अर्थात 2 से मल्टीप्लाई करने पर इनकी संख्या 4 हो जाएगी। तीसरे प्रकार के दांत अर्थात प्रीमोलर में फिर से 2/2, 1, 2, 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अर्थात ऊपर वाले जबड़ों की संख्या जोड़कर इनकी संख्या भी कुल 8 हो जाती है। चौथे प्रकार के दांत मोलर 3/3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अर्थात ऊपर वाले जबड़े की संख्या जोड़कर इनकी संख्या कुल 12 हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि 4 प्रकार के दांत मिलकर मनुष्य की पूर्ण 32 का निर्माण करते हैं। दांतों के पश्चात हमारी मुख गुहिका का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है जीभ। जीभ को जीवा अथवा टंग नाम से भी जाना जाता है। यह हमारी मुख गुहिका के फर्श पर पाई जाती है। आइए इस चित्र को देखें, तो मुख गुहिका में यह हमारा ऊपरी जबड़ा है, यह हमारा निचली जबड़ा और इसके फर्श पर देखिए यह हमारी टंग है। टंग का मुख्य कार्य भोजन के स्वाद को चखना तथा चबाते समय भोजन को उलटना पलटना होता है। हमारी जीभ में स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो भोजन के स्वाद को चखने में सहायक होती हैं। चित्र में देखें तो हमने बताया था मुख्य गुहिका में हमारी पहली पाचन ग्रंथि भी पाई जाती है। मुख्य गुहिका में यह नंबर 1 आप देखिए, यह हमारी पहली लार ग्रंथि, नंबर 2 हमारी दूसरी लार ग्रंथि और नंबर 3 हमारी तीसरी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथियों में 70% लार हमारी जीभ के नीचे वाली लार ग्रंथि से निकलती है।
लार का मुख्य कार्य हमने पहले भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, अर्थात जब हम भोजन को मुंह से खाते हैं तथा इसको चबाते हैं तब पाचन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। दांत के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खाने में जीभ के उलटने पुलटने के द्वारा लार मिलाई जाती है। यह लार 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख्य गुहिका के हिस्से में ही कर लेती है। मुख्य गुहिका का सबसे पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी घाटी द्वार के द्वारा हमारी फूड पाइप अर्थात ओसोफेगस में खुलता है। ओसोफेगस को भोजन नली भी कहा जाता है। आप चित्र में देखेंगे भोजन नली एक ट्यूबनुमा आकृति है जो ग्रसनी से होकर अमाशय में जाकर खुलती है। हमारी ओसोफेगस अर्थात फूड पाइप का मुख्य कार्य क्रमानुगंचन करना है। क्रमानुगंचन कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया है कि जब हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जब हमने उसे निकला तो उसमें लार मिली होती है, वो कुछ द्रव जैसा हो जाता है। क्रमानुगंचन में हमारा ओसोफेगस कुछ इस टाइप का मूवमेंट करता है जिससे हमारा खाना नीचे की तरफ सरकता जाता है। हमने खाना खाया और धीरे धीरे क्रमानुगंचन के द्वारा हमारे अमाशय में पहुंचता है। आइए देखें अमाशय की संरचना। यह हमारी ओसोफेगस के अंतिम सिरे से शुरू होकर यहाँ तक होती है। ये नंबर 4 आपको चित्र में दिख रहा होगा, यह हमारे अमाशय का मुख्य भाग है। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में पेट भी कहते हैं। अमाशय का मुख्य कार्य होता है भोजन को पतला ले जैसा बनाना। इस कार्य के लिए अमाशय की दीवारों द्वारा म्यूकस नाम का एक पदार्थ स्रावित होता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि भोजन को पतला ले जैसा बनाता है। अमाशय का दूसरा मुख्य कार्य भोजन के साथ आए कीटाणुओं और बीजाणुओं का नाश करना। इस कार्य के लिए अमाशय की दीवारों द्वारा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तथा यह खाने में पाए जाने वाले सभी रोगाणुओं व बीजाणुओं का नाश कर देता है। HCl का प्रभाव हमारी अमाशय की दीवारों पर भी पड़ सकता है। कभी कभार कम खाना खाने, ज्यादा उपवास रखने अथवा ज्यादा तेल मिर्च मसाला खाने से हमारा HCl अमाशय की दीवारों पर क्रिया कर देता है जिससे हमारी अमाशय की दीवारों में घाव हो जाता है। ऐसी कंडीशन को अल्सर भी कहते हैं। इसकी क्रिया को रोकने के लिए हमारी अमाशय की दीवारों पर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस HCl के प्रभाव से हमारी अमाशय की आंतरिक दीवारों को बचाता है। अमाशय का तीसरा मुख्य कार्य है भोजन को पचाना। हमने देखा अमाशय में पहुंचे भोजन को रोगाणु मुक्त किया गया, इसको पतला लेई जैसा बनाया गया। अब यह भोजन हमारे पाचन के लिए उपयुक्त है। भोजन का पाचन करने के लिए अमाशय की आंतरिक दीवारों द्वारा जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट का पाचन करने के लिए जरूरी होते हैं। हमने पहले ही सीखा कि 70% कार्बोहाइड्रेट हमारी मुख्य गुहिका के हिस्से में पाचित हो जाती है। हमारी जो 30% बची हुई कार्बोहाइड्रेट तथा अपचे हुए प्रोटीन व फैट अमाशय में, इनका पाचन शुरू होता है। हमारे कार्बोहाइड्रेट और छोटी शकराओं में अमाशय में तोड़ी जाती है तथा फैट का पाचन भी अमाशय में ही शुरू होता है। अमाशय में प्रोटीन छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाता है। हमारे अमाशय का अंतिम सिरा जाकर ग्रहणी में खुलता है। ग्रहणी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सी के समान प्रतीत होने वाली आकृति है। ग्रहणी एक जंक्शन का कार्य करती है। जंक्शन इसलिए क्योंकि इसमें दो प्रमुख पाचन ग्रंथियों अग्नाशय व यकृत के स्रावित पदार्थ भोजन के साथ मिलते हैं। यकृत हमने पहले भी बताया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें पित्ताशय नाम की एक आकृति पाई जाती है जिससे पित्ताशय रस निकलता है व पित्ताशय नली द्वारा ग्रहणी में भोजन के साथ मिलता है। अग्नाशय पत्तीनुमा आकृति ग्रहणी और अमाशय की दीवारों के बीच दबी हुई सी दिखती है। इससे निकलने वाला पदार्थ अग्नाशय रस कहलाता है। इसका स्रावित पदार्थ भी ग्रहणी में अग्नाशय नली द्वारा मिलता है। अग्नाशय रस में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट का पाचन हमारे
ग्रहणी में प्रारंभ करते हैं, जिसका पॉलीपेप्टाइड से और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हमारी ग्रहणी में होता है। ग्रहणी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और नीचे की तरफ सरका दिया जाता है। ग्रहणी के निचले भाग पे छोटी आंत पाई जाती है। छोटी आंत हम चित्र में देखें अत्यधिक कुंडलित आकृति होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इतनी लंबी होने के बावजूद ये बहुत कम जगह में फैली होती है। इसके इतनी अत्यधिक कुंडलित होने का मुख्य कारण है कि अधिक कुंडलित होने से भोजन का एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। हमारी छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर छोटे छोटे अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई भी कहते हैं। विलाई का दूसरा नाम रसांकुर है। इनके होने की भी मुख्य वजह भोजन के अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों द्वारा आंतरिक जूस निकलता है, जो भोजन के बचे हुए भाग को पाचित करता है। अर्थात हमारी प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड में यहाँ पहुंची थी, अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित हो जाती है। हमारी कार्बोहाइड्रेट जो छोटी आंत में पहुंची थी, वो ग्लूकागन और ग्लूकोज फ्रक्टोज के फॉर्म में अवशोषित हो जाती है। तथा हमारे फैट जो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर छोटी आंत में पहुंचे थे, वो फैटी एसिड के रूप में अवशोषित हो जाते हैं। छोटी आंत के पश्चात हमारा भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। आइए फिगर को देखते हैं। छोटी आंत हमारी बड़ी आंत के जिस भाग में मिलती है, उसे सीकम कहा जाता है। सीकम अत्यधिक फूली सी हुई आकृति है। देखिए फिगर में सेक्शन कटा हुआ है, जिससे हमें अंदर तक दिखाई दे रहा है कि छोटी आंत हमारी बड़ी आंत में कहां पे मिलती है। सीकम के ठीक नीचे 6 से 7 सेंटीमीटर एक बंद नली होती है, जिसे अपेंडिक्स भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्रमी रूप परिशेषिका है। यह हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग वह अंग होते हैं जिनका अब हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। कई लोगों में आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस की बीमारी हो जाती है। अपेंडिक्स का मुख्य कार्य मवेशियों में है, जो भोजन बिना पकाकर खाते हैं। अर्थात उनके भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। सेलुलोज का पाचन करने के लिए अपेंडिक्स पाया जाता है। मनुष्य भोजन को पकाकर खाता है, जिससे पकाने के समय ही सेलुलोज नष्ट हो जाता है। हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अब हम फिगर में देखें तो सीकम के ऊपर बढ़ने पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कुछ दूर तक ऊपर चलता है, तत्पश्चात ये कुछ दूर तक समांतर चलता है और फिर नीचे आता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य भाग जो सीकम के ऊपर होता है, इसे कोलोन कहते हैं। हमारा कोलोन सीकम से लेकर रेक्टम तक होता है। हमारे कोलोन को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला एसेंडिंग कोलोन, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है। दूसरा हॉरिजेंटल कोलोन, जो समांतर चलता है। तथा तीसरा डिसेंडिंग कोलोन, जो नीचे की तरफ उतरता है। हमारे कोलोन की आंतरिक दीवारों में भी छोटी आंत की ही तरह कई सारे उभार पाए जाते हैं, अर्थात रसांकुर अथवा विलाई पाए जाते हैं, जिनका भी मुख्य कार्य भोजन के अवशोषण के लिए सतह की बढ़ोतरी करना होता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी भाग होता है मलाशय। मलाशय का मुख्य कार्य अपचे हुए भोजन से जल का अवशोषण करना है। मलाशय ही वह भाग है जिसमें हमारा अपचा हुआ भोजन विष्ठा का रूप धारण करता है। विष्ठा हमारे शरीर से गुदादार द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। पूरी आहार नाल के अध्ययन के बाद ये सवाल उठता है कि हमने पाचन तंत्र के दौरान हासिल क्या किया। हमने भोजन तो पचा लिया, मगर ये पचा हुआ भोजन गया कहाँ? हमने पहले ही बताया था कि हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर कोशिका की अपनी ऊर्जा जरूरतें विभिन्न विभिन्न होती हैं। अब आहार नाल के मुख्य गुहिका, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत व बड़ी आंत के हिस्सों में जो हमने भोजन पचाया,
उसका अवशोषण इन सभी अंगों की आंतरिक दीवारों द्वारा कर लिया जाता है। यह अवशोषित भोजन हमारे शरीर की हर कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। श्वसन से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन भी हमारे शरीर की हर कोशिका में हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंचती है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग जिसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करता है, जिसमें हमारे भोजन का ऑक्सीकरण कर एटीपी बनाया जाता है। एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा पैकेट है। जब शरीर के द्वारा हम कोई क्रिया करते हैं तब एटीपी ही खर्च होता है। पाचन तंत्र के अध्ययन के द्वारा हमने ये जाना कि हम खाने को चबाकर, उसको पचाकर, उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करके अंततः ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। सर्वाहारी ओमनीवोरस, विषम पोषक हेटरोट्रॉफिक, मुख माउथ, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, मुख गुहिका बकल कैविटी, कृंतक एंसाइसर, रदनक केनाइन, अग्रचवर्णक प्री मोलर, चवर्णक मोलर, जीभ टंग, लार सलाइवा, अमाशय स्टोमक, अग्नाशय पैनक्रिया, यकृत लिवर, ग्रहणी ड्यूडनम, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, कृमि रूपी परिशेषिका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, मलाशय रेक्टम, गुदा द्वार एनस।